अध्याय 11 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक नया अध्याय है और इस अध्याय में हम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। आप देख पाएंगे कि किन परिस्थितियों में एक समतल पर चतुर्भुज की रचना हो सकती है, उसकी परिभाषा कैसे बनाई जा सकती है, इनके गुण क्या हैं, चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर हम किन्हीं दो चतुर्भुजों के बीच समानताएं स्थापित कर सकते हैं, उनके गुण क्या हैं और इन गुणों के आधार पर उनकी रचना कैसे की जा सकती है, इन सारी चीजों को आप इस अध्याय में देखेंगे। जैसे एक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज है। कोई समानांतर चतुर्भुज आयत कब बन जाता है और क्या आयत बनने के बाद भी हम उसे समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, या किसी समानांतर चतुर्भुज को आप आयत कह सकते हैं, क्या आयत एक वर्ग भी होता है, क्या वर्ग को आप आयत कह सकते हैं या आयत को वर्ग कह सकते हैं। इस तरह के सवालों को आप इस अध्याय में समझ पाएंगे और आप इनका जवाब भी दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 11 चतुर्भुज। यहां नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं। इनमें से कौन कौन सी आकृतियां त्रिभुज हैं, इन्हें हम पहले देखें। आकृति एक में आप देख रहे हैं तीन रेखाखंड दिखाई पड़ रहे हैं, आकृति दो में भी तीन रेखाखंड हैं, आकृति तीन में भी तीन रेखाखंड हैं और आकृति चार में तीन से अधिक रेखाखंड हैं। इनमें आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर जो बंद आकृति बनती है वह त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति है। इनमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कौन से अन्य गुण हैं, इस पर भी आप चर्चा करें। नीचे कुछ और चित्र हैं, इन्हें आप देखिए। यहां प्रत्येक चित्र में चार बिंदु दिए गए हैं जिन्हें मिलाने पर कुछ आकृतियां बन रही हैं। आकृति 2-1 में चारों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, अतः इससे एक रेखाखंड प्राप्त होता है। आकृति 2-2 में तीन बिंदु एक रेखा में हैं और चौथा बिंदु अलग है, इससे एक त्रिभुज बन रहा है। क्या आकृति 2-3 व 2-4 में चतुर्भुज बन रहा है? यहां हम देख पाते हैं कि चतुर्भुज बनने के लिए चार बिंदुओं में से तीन बिंदुओं का असंरेख होना आवश्यक है। यदि किसी सतह पर चार बिंदुओं में से कोई भी तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो अर्थात असंरेख हो, तब इन बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने पर चतुर्भुज बनेगा। कुछ करके देखें आप। उपरोक्त गुणों के आधार पर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। आपस में चर्चा कर साथियों द्वारा लिखी गई परिभाषा भी देखिए। विद्यालय या कक्षा में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी कुछ सतहें चतुर्भुजाकार दिखती हैं, उनकी सूची बनाइए। जैसे श्यामपट्ट, खिड़की का पल्ला, पुस्तक का पन्ना इत्यादि। अब कुछ सोचें और आपस में चर्चा भी करें। हमारे आसपास दिखने वाली बहुत सी वस्तुएं आयताकार हैं। आयत भी एक चतुर्भुज है, क्यों? चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपने चित्र दो की आकृतियों 3 व 4 को चतुर्भुज कहा। अब चित्र 3 की तरह इन चतुर्भुजों के विकर्ण खींचिए। आपने देखा कि चित्र 3-1 में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं, जबकि चित्र 3-2 में एक विकर्ण अंदर एवं एक विकर्ण बाहर बनता है। ऐसा क्यों है? जिस चतुर्भुज में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं उसका कोई भी कोण 180 अंश से अधिक नहीं होता। इस चतुर्भुज को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं, जैसे PQRS चित्र 4। जिस चतुर्भुज में एक विकर्ण अंदर एवं एक बाहर बनता है तथा चतुर्भुज का एक कोण 180 अंश से अधिक होता है, ऐसे चतुर्भुज को अवतल चतुर्भुज कहते हैं।
चित्र 5 में कोण BCX बराबर 180 अंश है, अतः चतुर्भुज ABCD का अंतःकोण कोण BCD 180 अंश से अधिक है। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB भुजा DC के समांतर है, यह समलंब चतुर्भुज है। यह कहा जा सकता है कि चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम होता है। आइए कुछ करके देखें। नीचे बने चतुर्भुज में से कौन से समलंब चतुर्भुज नहीं है एवं क्यों? समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म या एक जोड़ा समांतर होता है। यदि चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हों, अर्थात आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज रोम्बस। यदि समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। कुछ सोचें और चर्चा करें। पहला, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों में से कौन कौन से चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज भी होते हैं? दूसरा, क्या एक समानांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज भी है? अब आप आयत व वर्ग बनाइए। क्या आयत व वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज हैं? हाँ, आयत एक विशेष तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब कुछ करके देखें। पहला, क्या आयत एक वर्ग भी है? दूसरा, ऐसा समानांतर चतुर्भुज बनाइए जिसके तीन कोण समकोण हो पर यह आयत न हो। क्या यह संभव है? इस पर चर्चा कीजिए। जब किसी आयत की चारों भुजाएं समान हो, तब वह कौन सा चतुर्भुज होता है? यह चतुर्भुज वर्ग होता है। चित्र 9 में देखें। क्या वर्ग एक आयत है? क्या वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है? क्या वर्ग एक समचतुर्भुज है? क्या समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी है? अब हम चतुर्भुज के कुछ गुणों एवं उनसे संबंधित प्रमेयों को सिद्ध करना सीखेंगे।